الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله شینے حضور تاج و شریعت رضوی دولہا حضرت علامہ مولانا مفتی اشعار اسجد رضا خان صاحب داما فوزوں کو مسلک اعلی حضرت کی نہ ٹوٹنے والی وہ چٹانی دیوار بازوئے حضور تاج و شریعہ شہزادہ حضور صدر و شریعہ حضرت علامہ مولانا حضور محدث کبیر دامت برکاتم القدسیہ اور حضرت علامہ مولانا شعیب رضا خان صاحب پوری دنیا سے اے ہیرو اے پلیز اگر اعلی حضرت والے ہو تو بیٹھ جاؤ ایک منٹ کے اندر بیٹھو ایک منٹ کے اندر بیٹھو اگر اعلی حضرت والے ہو تو بیٹھ جاؤ نعرہ لگا کر ایک ایک انچ بھارت کی قبضہ کر لو اس لیے کہ اس دیش میں کسی کا کچھ نہیں ہے جو کچھ بچا ہوا ہے وہ تنہا رضا کا بیٹھ جاؤ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھو بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ جو کھڑا رہے گا میں سمجھوں گا گڑبڑ کرنے والا ہے وہ جھوم کر باواز بلند درود شریف کا تحفہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جتنا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے یہ صرف چار تخت کی وجہ سے اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان چوکیداروں کی بات چھوڑو تم زمیندار ہو قبضہ کر لو میں صرف پانچ منٹ کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کی عطا سے پورا بھارت ہمارا ہے کب بولیے گا زور سے کوئی شبہ اور شک ہے تو کلیئر اور کنفرم ہو کے بولیے زور سے اور زور سے اور اب یہیں تک نہیں بات آگے بڑھ گئی بھارت کی بات تو چھوڑو یار کعبے کی کنجی کوئی اور رکھے لیکن مہمان کعبہ تو رضا کا بیٹا ہی بنے گا اپنوں سے داد و تحسین وسیم لینا سب کو آتا ہے لیکن یہ ایمان کی پختگی دیکھو یہ ایمان کی پختگی دیکھو کہ جس رضا نے بے سائز کے پیجامہ والوں کا سائز ناپا تھا
बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन आजकल तो बगैर सनद के मुफ्तियों ने इस देश में आतंक फैला रखा है। हद हो गई। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला, ये पता नहीं कहां से चोरी की सनद पाए हैं लोग। लेकिन तुझे पता नहीं है बच्चू, ये बरेली है बरेली। जब दुश्मना ने नबी के किले में घुस कर रजा सुराग ले लें तो तुम्हारी जाली सर्टिफिकेट का भी पता 90 दिनों के अंदर चल ही जाएगा। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में यौम रजा है। जोर से। और मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं, हुजूर अल्लामा आसिफ मियां क़िबला की और हुजूर मुहद्दिसे कबीर की खुसूसी दुआओं के साथ। कल तक बेसाइज पैजामा वालों की हजामत ना बने तब तक नारा नहीं लगता था, और अब जब मसलके आला हजरत के बागियों को बेनकाब न किया जाए, ओए मैं तो तुझे बल्ले बल्ले धन्यवाद करता हूं मेरे भाई। बहुत अच्छा हुआ निकल आए, वरना मखमल के जुब्बे में हम तुझे अच्छा समझकर बहुत दिनों तक चूमते। न जाने तुम कितने मेरे मुर्गे नाश करते। हमने तुझको अपनी शफाअत की डोर समझ रखा था, लेकिन जैसे ही अंदर की गिलाज़ा ताजु शरिया की बगावत में खुलकर आ गई तो पूरी दुनिया सुन्नियत ने पहचान लिया कि जो अख्तर रजा का नहीं हो सकता वो अहमद रजा का। बहुत देर की है बाबू, बच्चू बहुत देर की है। काश 10 साल पहले ये काम शुरू किए होते तो शायद किसी मस्जिद में आपका मुअज्जिन भी नहीं मिलता। आज पूरी जमात हुजूर ताजुश्शरिया के इशारों पर दो जुमले तारीख के अर्ज कर दो, गुफ्तगु खत्म। हे भाई, अरे आपका प्रोग्राम है, आप क्या कर रहे हो? जो आदमी अगर हिल डोल कर ले, कंट्रोल न कर ले, समझ लो कि मामला गड़बड़ है। आप लोग बैठ जाओ प्लीज। किसी को इस वक्त यहां जितने इकट्ठे हैं सब खादिम हैं, मेहमान भी यही है, मेजबान भी यही है। बोलो झूम के, जोर से और जोर से लग जा नारा, चप्पा चप्पा करिया करिया। हाथ में लकवे का असर नहीं तो लहरा के बोलो, चप्पा चप्पा करिया करिया। लहरा लहरा बोलो, चप्पा चप्पा करिया करिया, चप्पा चप्पा करिया करिया। मैं तो कहता हूं मेरे भाई, 10 साल तूने लेट कर दी गाड़ी। 10 साल पहले अगर ये काम कर दिए होते तो चाहे जितना बढ़िया एजेंट बहाल कर लेते, जो भी बचा खुचा मुरीद है बैग तोड़ करके इधर ही चला आता। हैरत थे। खेत जोतने वाले को आला हजरत समझ में आ गए। कर दो लिए तो बोल ले यार, जोर से। वाह वाह वाह, क्या बात है।
खेत जोतने वाले को आला हजरत समझ में आ गए, जो गरीब नवाज की चादर की मुखालफत करे उसे पूरी दुनिया सुन्नियत वहाबी कहे, और जो ख्वाजा की चादर के लिए सीना ठोक कर खड़ा हो जाए उसी को पूरी दुनिया सुन्नियत इमाम अहमद रजा कहे। कमाल है मुफ्ती शमशाद साहब किबला, किसानों को आला हजरत समझ में आ गए और मुफ्ती की सनद चुराने वाले को अब तक ताजू शरीया समझ में नहीं आए, तो मैं कहूंगा 2014 के बंदरों, ताजू शरीया के कलंदरों से मत उलझना, इसलिए कि इस मतलब में हर तरह की दवा मिलती है। इस मतलब में हर तरह की दवा, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए नौजवान सुन्नियों से मैं अपील करूंगा, मुंबई कर्नाटका बिहार यूपी पंजाब हरियाणा पूरी पूरे भारत के सुन्नी जवानों से बलियावी अर्ज करेगा, किसी जलसे किसी कॉन्फ्रेंस और किसी सेमिनार या किसी प्रोग्राम में सुन्नियत के नाम पर धोखा देने के लिए अगर बागी आला हजरत और बागी ताजू शरीया को कोई मौलवी बुलावे तो उसके हाथों से मुसल्ला छीन लो, उसके हाथों से मुसल्ला छीन लो और उसे कह दो कि आज के बाद तेरा मुसल्ला सिमट गया, यह मुसल्ला उसी के हवाले किया जाएगा जो अहमद रजा वाला होगा, अख्तर रजा। बस आखिरी बात, अब आप लोग बैठाइए मत किसी को प्लीज, जो खड़े हैं ए छोड़ दो, ए बैठो, आप किसी को बैठा लिए मत प्लीज, बैठो कुछ नहीं बैठो, मैं कह रहा हूं चुपचाप बैठो, तुम ही जिम्मेदार हो क्या? मालूम नहीं बलियावी के बाद मनमोहन नहीं बोल पाता, तुम कौन? इस वक्त पूरी जमात की आवाज का नाम है ताजू शरीया, लह के बोल लो जोर से, हैरत है दादा को मसलके आला हजरत पसंद है, नाना को मसलके आला हजरत पसंद है, आखिर इन पोतों ने क्या खा लिया है? ये जरूरत है और ये वक्त आवाज दे रहा सुन्नियों, वो बहुत सारी बातें हैं जो कही नहीं जा सकती, लेकिन अगर तू सही सुन्नी रजवी और ताजू शरिया और आला हजरत के मसलक के पैरोकार हो तो मैं आपसे इंतजार और अपील करूंगा, इसका इंतजार मत करना कि कौन आलिम कहां खड़ा हो रहा है, मसल के आला हजरत पर कोई तीर चलावे सीना लेकर खड़ा हो जाना और ये बता देना कि इस वक्त सुन्नियों का हर सीना ताजू शरीया के दिलों का धड़कन का सीना। बड़ी परेशानी है, उस परेशानी से कुछ लोगों को निकलने की कोशिश आने दीजिए हजरत को, सुबान अल्लाह तशरीफ लाए, ये देखे अहले सुन्नत की खानका बरेलवी खानका बिलग्राम शरीफ से, सुबान अल्लाह, ओ बोल यार बोल 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 हजरत तशरीफ
मुअज्जत उलमाए किराम से एक आखिरी इल्तिजा बलिया भी करेगा। किसी सेठ के दबाव में आकर आवाज नहीं बदलनी चाहिए और किसी तिजोरी वाले के चक्कर में आकर मेरी आवाज कमजोर भी नहीं होनी चाहिए। जो बोली बरेली में बोलो वही बोली बिहार में भी बोलो। रोटियों के लिए बोलियां बदलना मर्दों की पहचान नहीं है। रोटियों के लिए आवाज बदल देना ये रजा वालों की शान नहीं है। मैं तो पूछता हूं आखिर क्या बिगाड़ा है हुजूर ताजू शरिया ने, आखिर सुबह शाम कलम पे धार क्यों चलाए जा रहे हैं? जो कलम जो बंदी और वहाबियों के लिए उठा करते थे आज वो कलम क्यों उठ रहा है मसल के आला हजरत पे? तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं कोई गलत रोटी तो आपने नहीं खा ली है। अगर सही लुकमा खाया होता तो वही बोलता जो नाना ने बोला था। इस वक्त खानकाहों के तकद्दस के तहफ्फुज का नाम है ताजू शरिया। ईमान और आशिकाने मुस्तफा की धड़कनों का नाम है ताजू शरिया। खानकाहों के इज्जत वकार के नामूस के तहफ्फुज का नाम है ताजू शरिया। इस वक्त पूरी जमीयत की आवाज का नाम है ताजू शरिया। इसलिए आखिरी बोली बोलकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि बच्चों सबको आवाज देना, आला हजरत के सुनामी को आवाज मत देना। इसलिए कि जब नदियों में सैलाब आता है तो इलाका डूब जाता है, समंदर करवट बदल दे तो मुल्क का मुल्क गायब हो जाता है। मत इम्तहान लीजिए, मत ललकारिए किराए के घर में रहकर और शीशे के महल में रखकर पत्थर फेंकने की आदत बंद कीजिए। हम जानते हैं कि यह आवाज कहां से निकल रही है, हमें मालूम है कि यह सुले कुल्लियत की बोली कहां से बोली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का पादरियों का प्रवक्ता हो कब बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। आजकल इंडिया में कुछ उसके एजेंट हैं, एजेंट जो सुन्नी बनकर धोखा दे रहे हैं। गया में एक ताहिर नाम का था जिसको मेरे बुजुर्गों ने इतना पटका इतना पटका इतना पटका कि उसके कमर के नट बोल्ट ढीला हो गए। अब ये पाकिस्तान में पैदा हुआ लेकिन पाकिस्तान के हर आतंक का जवाब खाजा का हिंदुस्तान देना जानता है। कब बोलिएगा? जोर से जोर से। अगर ताहिरुल कादरी का कोई वकील सूफियत और बुजुर्गों के नाम पर धोखा दे तो मेरी कसौटी और मेयार के कल का नाम था आला हजरत और आज की सुन्नियत के मेयार का आज का नाम है ताजू शरीगा। हम किसी हजरत को नहीं पहचानते हैं, हम एक हजरत को पहचानते हैं जो हजरत मुफ्ती आजम के इल्म के वारिस है, आला हजरत के तफक्को के वारिस है, वारिस पैगंबर भी है, वारिस उलूमे इमाम अहमद रजा भी है। हम किसी हजरत को नहीं जानते, हम तो सिर्फ अल्लामा अख्तर रजा का अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजू शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सुन्नियों के अमीर। जो ताहिरुल कादरी, जो ताहिरुल कादरी तशरीफ लाए, ये देखें कालपी शरीफ के साहब सज्जादा अल्लामा सैयद गयास मियां कबला तशरीफ लाए। कालपी शेरे कालपी हुजूर गया से मिल्लत, हुजूर गया से मिल्लत, हाँ
आखिरी जुमला। इस वक्त लोग बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा हम लोग जानते हैं या ज्यादा हम सबों के ताजू शरिया जानते हैं? बोलो, हुजूर ताजू शरिया के पीछे चलोगे या उनके बराबरी में चलोगे? जोर से बोलो, पीछे। तो आज इस उर्से रजवी में तय करके अहद करके उठो कि अगर कोई ताहिरुल कादरी पादरी की बात करे तो समझ लेना कि ये उसी यहूदी का दलाल हो सकता है, इमाम अहमद रजा का सिपाही नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को मस्जिदों से हटाना चाहिए कि नहीं? ओ बोल, हटाना चाहिए कि नहीं? और इस टाइप के मौलवियों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए कि नहीं? बाकी हिसाब किताब आप कर लीजिएगा, और उसके बाद कोई टेंशन लगे तो बलियाबी को याद कर लीजिएगा। आखिरी होम्योपैथ की दो खुराक दे देंगे, कई खानदान तक का रोग ठंडा हो जाएगा। सलाम। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, दूर हो, दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रजवी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजु शरिया को मानने वाले उलमाए इकराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने आके कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे रब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 7878574416।